आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। देखिए, अपने पाप के कर्मों पर वो रो रहे हैं। जिस समय यह नियोजन नीति लाई गई थी, मैं उसमें विधानसभा का सदस्य था। हमने उस समय ही कहा था कि ये झारखंड के नौजवानों के साथ धोखा होगा। बहलाने फुसलाने का केवल एक औजार आपने सामने लाया है, ये सच नहीं है। यह नियोजन नीति न्यायालय में टिकेगी नहीं, परिणाम वही हुआ। अगर इसको ठीक तरीके से नियोजन नीति को बनाया होता, सोच समझ के बनाया होता, अधिवक्ताओं के बड़े विद्वानों की राय ली जाती, तो हमें लगता कि वह नियोजन नीति आज ठोस बनता, नौजवानों को धोखा नहीं मिलता। अब सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था। एक तरफ जिन नौजवानों की नौकरी लगी थी उन्हें बचाना भी था, सरकार उसके लिए कोर्ट के शरण में भी गई, और फिर सरकार नई नियोजन नीति जो इसे झारखंड के नौजवानों के लिए, झारखंडियों के लिए बेहतर होगा, उसे बनाने का प्रयास करेगी। इसी उम्मीद के साथ इस नियोजन नीति को इस सरकार ने वापस ली है। हमें लगता है कि जो सरकार से बातें हुई है, जो सरकार ने अब तक आश्वस्त किया है, चाहे वो UPA के विधायक दल की बैठक में हो, यहाँ सरकार ने जो आश्वासन दिया है, उस आधार पर लगता है कि सरकार जल्दी इस राज्य की हितकारी, झारखंड की हितकारी एक नियोजन नीति लाएगी।